पतरातू प्रखंड के हेहल गांव में तुगलकी फरमान की चर्चा पूरे जिला में जारी है। आज भी यहां से समानती प्रथा की बू आती है। गांव के कुछ लोगों द्वारा तुगलकी फरमान जारी करते हुए छोटे लाल करमाली के परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पीड़ित परिवार की बेटी पिछले दिनों अपने एक पुरुष मित्र के साथ कहीं चली गई थी, जिसकी सूचना बरकाकाना ओपी पुलिस को दिए जाने के बाद पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक युवती को अपने हिरासत में लेकर बरकाकाना ओपी परिसर लाया गया, जहां दोनों के परिजनों के बीच आपसी रजामंदी से नाबालिग बच्चों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। युवती के घर लौटने के बाद उसके परिजनों का जाति समाज के लोगों द्वारा सामाजिक बहिष्कार कर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गईं। इसके अलावा गांव के सरकारी कुएं से भी पानी लेने पर उन्हें रोक लगा दी गई। लाने गए कल तो बोला गया कि तुम लोग काहे पानी लेके जा रही है, झगड़ा हो जाएगा, फालतू में मार मिल जाएगा तुम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे सर, दो दिन से खाना नहीं खाए, भूखे मर नहीं जाएंगे। और क्या बोलता है सर? बोला कि कल पानी लेने गए तो उधर दूसरा कुआं में तो बोलता है तुम लोग नहीं ले जा सकती, यहाँ पे तुम यहाँ से भागो। ये सब बात कौन बोलता है सर? उधर का कुआं है, वहाँ पे गए थे सरकारी, वो भी कुआं है, लेकिन वहाँ पर भी मना किया गया। हम लोग कैसे रहेंगे सर, बिना पानी के तो मर ही जाएंगे ना। ऐसे हालात में पीड़ित परिवार नाले से पानी भरकर उसे पीने पर मजबूर हो गया। हालांकि प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद इस परिवार को पानी तो नसीब हो गया, लेकिन सामाजिक तौर पर अभी भी उनका बहिष्कार जारी है। अभी 8 किलोमीटर है सर। 8 किलोमीटर? 0.5 किलोमीटर है। 0.5 किलोमीटर? हाँ। कुल कितने दिनों से पानी से वंचित है आप लोग? पानी अभी करीबन हम लोग का 8 रोज से बंद है सर, लेकिन अभी फिलहाल में इधर उधर से किसी तरह ला के खाते पीते थे, लेकिन अभी जो मीटिंग की हम लोग जाते मीटिंग, उसमें हम लोग का पानी ऑलरेडी बंद कर दिया गया है। घर में खाना कैसे बन रहा है आप लोग? खाना वही नाला वाला पानी से हम लोग खाना बना रहे हैं। नाला का पानी सही होता है? सही रहो या ना रहे, क्या करें, मजबूरन है मेरे साथ में, जीने के लिए तो कहीं कहीं कुछ करना पड़ेगा ना। ग्रामीणों द्वारा लगाई गई इन पाबंदियों से पीड़ित परिवार को कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पीड़ित परिवार सामूहिक तौर पर आत्महत्या करने को भी तैयार है। पानी के लिए भी बहिष्कार कर दिया गया है, पानी लेने देने के लिए बंद कर दिया गया है, जो ये बहुत ही दुखद समाचार घटना है। आप ठीक है, आप बहिष्कार कर सकते हैं, उसका घर आना जाना शादी भी हमारे जरूर नहीं कर सकते, लेकिन राशन पानी के लिए अगर कोई बंद किया है तो बहुत ही गलत बात है और ये तो कानून के विरुद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सन्यांग में जब ये मामला आया तो हमने जाकर प्रयास किया कि इसका पानी भी नहीं रोका जाए। रामगढ़ से जयंत कुमार की रिपोर्ट।